बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में निश्चय इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी हिंदी या विरल की पाठ्य पुस्तक निकालिए और अपने हाथ में एक पेन भी ले लीजिए। बच्चों, हो गया बच्चों? अब अपनी अपनी पुस्तक में निश्चय इस पाठ को निकालिए। बच्चों, इस पाठ को पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 15 पर प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, पहला क्या है? क, महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए क्या दिया? यह पाठ में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर 3 उत्तर दिए गए हैं, भोजन, पके फल, बादाम। कौन सा उत्तर सही आएगा? महात्मा बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को खाने के लिए, क्या उत्तर सही है बच्चों? पके फल। किस पर सही का निशान आएगा? पके फल। हो गया बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक में सही का निशान लगाइए। हो गया, चलिए अब आगे चलेंगे। यह देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ख, राजा के गलत आचरण करने से प्रजा कैसे रास्ते पर चलने लगती है? देखिए, यहाँ पर भी 3 उत्तर दिए गए हैं, राजा के गलत आचरण करने से प्रजा कैसे रास्ते पर चलने लगती है? धर्म के रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर, अलग रास्ते पर। कौन सा उत्तर सही आएगा बच्चों? कौन सा उत्तर सही आएगा? अधर्म के रास्ते पर। किस पर सही का निशान आएगा? अधर्म के रास्ते पर। लगाइए बच्चों सही का निशान। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ग, राजा की जिज्ञासा शांत करने के लिए बोधिसत्व ने किसका उदाहरण दिया? किसका उदाहरण दिया बच्चों? हाथियों के झुंड का, बकरियों के झुंड का, गायों के झुंड का। कौन सा उत्तर सही आएगा? गायों के झुंड का। तो किस पर सही का निशान आएगा? गायों के झुंड का, इस पर सही का निशान आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3, नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए प्रश्न बनाइए। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए, उत्तर दिए गए हैं, हमें उसके मुताबिक उसका उत्तर प्रश्न बनाना है। उत्तर दिया हुआ है, हमें प्रश्न बनाना है। देखिए क्या उत्तर दिया हुआ है और उसका प्रश्न कैसे बनेगा। क, राजा ब्रह्मदत्त बड़े ही दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय राजा थे। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? लिखिए अपनी पुस्तक में, उत्तर लिखिए, राजा ब्रह्मदत्त कैसे राजा थे। क्या उत्तर आएगा इसका? राजा ब्रह्मदत्त कैसे राजा थे, यह प्रश्न बन गया। लिखिए बच्चों, मात्रा की गलतियां नहीं होनी चाहिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ख, बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए जंगल के पके फल दिए। इसका प्रश्न कैसे बनेगा? उत्तर लिखिए, बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया? ऐसे ही प्रश्न बनेगा ना, राजा को क्या दिया था? खाने के लिए जंगल के पके फल दिए गए थे, तो बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया, यह प्रश्न बन गया। लिखिए अपनी पुस्तक में, बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए क्या दिया। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग, राजा ब्रह्मदत्त प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। इसका प्रश्न कैसे बनेगा? लिखिए अपनी पुस्तक में, राजा ब्रह्मदत्त के व्यवहार से सभी लोग क्यों खुश थे, यह प्रश्न बन गया। राजा ब्रह्मदत्त के व्यवहार से सभी लोग क्यों खुश थे? लिखिए बच्चों, सुंदर राइटिंग लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2,
नीचे दिए शब्दों के समान तीन तीन शब्द और लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं की तरह हमें तीन तीन शब्द और लिखना है। तो प्रश्न, कौन से शब्द दिए गए हैं? राजा। अब राजा की तरह हमें तीन शब्द और लिखना है, जिसमें देखिए राजा। अब देखिए यहाँ पर तीन शब्द क्या लिखा हुआ है? राजधानी, लिखिए अपनी पुस्तक में राजधानी, राज, रजनी। यह राजा की तरह ही तीन शब्द हो गए, है ना? जिसमें राजा यह शब्द भी आया, जैसे र और ज दोनों आए हैं। हो गया। अब देखिए दूसरा शब्द क्या है? मार्ग। अब इसमें मार्ग में देखिए ऊपर रि की मात्रा लगी हुई है, र की, है ना? तो मार्ग, अधर्म, तात्पर्य, पर्व, इसमें ऊपर की तरफ मात्रा लगी हुई है ना, उसी तरह र की। अब उसके नीचे देखिए प्रांत। अब उसी की तरह हम लोग शब्द लिखेंगे, प्रभाव, प्रणाम, ब्रह्मदत्त। इसमें प्र की मात्रा लगी हुई है, सब में प्र लगा हुआ है। ब्रह्मदत्त देखिए उसमें भी लगा हुआ है। अब उसके नीचे देखिए मेट्रो। मेट्रो की तरह राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न तीन, नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। जो नीचे वाक्यांश दिए गए हैं बच्चों, हमें उनके लिए एक शब्द चुनना है। देखिए कौन सा वाक्यांश है? जिसे न्यायप्रिय हो, इसे एक शब्द में कैसे लिखेंगे? न्यायप्रिय। जिसे न्यायप्रिय हो हम उसे क्या भी क्या कह सकते हैं? न्यायप्रिय भी कह सकते हैं। जानने की इच्छा अर्थात जिज्ञासा, लिखिए अपनी पुस्तक में जिज्ञासा। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जिसके हृदय में दया हो अर्थात दयालु। हो गया बच्चों। जिसे न्यायप्रिय हो, न्यायप्रिय। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो दूर की सोचे, दूरदर्शी। जिसके हृदय में दया हो अर्थात दयालु। हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है बच्चों? हमें जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ समझकर वाक्य बनाना है, दो दो वाक्य बनाना है। तो उत्तर, अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य कैसा बना है? बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। उत्तर अर्थात जवाब दिए। उत्तर का मतलब यहाँ पर जवाब भी होता है। बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। अब दूसरा वाक्य देखिए, मोहन अभी अभी उत्तर की तरफ गया है। एक उत्तर मतलब दिशा, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ गया है। तो बच्चों लिखिए अपनी पुस्तक में उत्तर, बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए। मोहन अभी अभी उत्तर की तरफ गया है। हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। फल। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। इसका एक वाक्य कैसे बना है? परिश्रम का फल सदैव कैसा होता है? मीठा होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक फल का मतलब होता है लाभ और एक फल का मतलब होता है परिणाम। दूसरा क्या है? दूसरा वाक्य, कल मेरा परीक्षा फल मिलेगा। तो परीक्षा फल अर्थात मेरा क्या परिणाम है, मैंने कितनी मेहनत की है, दूसरे वाक्य से हमें यह पता चल रहा है। तो लिखिए बच्चों वहाँ पर फल के सामने पहली लाइन में लिखिए, परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है।
और दूसरा वाक्य लिखिए, कल मेरा परीक्षा फल मिलेगा। हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जल, एक जल का अर्थ होता है पानी और दूसरे जल का और दूसरा अर्थ इसका यह भी होता है जल जाना। तो देखिए यहाँ पर दुकान में आग लगने से सब कुछ जल गया, अर्थात एक अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, सब कुछ जल गया। और दूसरा देखिए वाक्य क्या बताया गया है, मुझे पीने के लिए शीतल जल दो। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका अर्थात पानी है और पहले वाक्य में अर्थात सब कुछ जलकर नष्ट हो गया, दुकान में आग लगने से सब कुछ जल गया। तो जल का दो अर्थ है, जल जाना और पानी। लिखिए बच्चों अपनी पुस्तक में। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों को पढ़कर बताइए कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं बच्चों, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग। तो पहला वाक्य में देखिए रंगीन शब्द कौन सा है, क, उन्हें फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगे, तो फल रंगीन है। अब हमें इसका लिंग बताना है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो फल क्या है बच्चों, पुल्लिंग, सामने लिखिए उसके, पुल्लिंग। चलिए हो गया, आगे चलेंगे। ख, राजा अपने राज्य का नेता होता है। अब राजा यहाँ पर रंगीन है तो हमें राजा का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताना है, क्या है वो, तो राजा पुल्लिंग है। क्या है बच्चों, पुल्लिंग, सामने लिखिए पुल्लिंग। हो गया, चलिए अब दूसरा देखिए, उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी। अब भूख प्यास, अब प्यास क्या है, रंगीन है वहाँ पर, तो हमें प्यास का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या है वो बताना है, तो लिखिए वहाँ पर प्यास स्त्रीलिंग। अब उसके नीचे देखिए, बोधिसत्व ने पके फल खाने के लिए दिए। अब इसका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो बोधिसत्व क्या है, पुल्लिंग है, लिखिए सामने पुल्लिंग। हो गया, आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। अब जिज्ञासा यहाँ पर रंगीन किया हुआ है तो हमें इसका लिंग बताना है, तो जिज्ञासा क्या है, स्त्रीलिंग है, लिखिए वहां पर स्त्रीलिंग। हो गया बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6, नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाइए। हमें यहाँ पर जोड़े बनाना है और शब्द कौन सा दिया हुआ है, सुख। अब सुख का जोड़ा किसके साथ बनेगा, हम कैसे बोलते हैं सुख दुख, तो सुख के सामने क्या आएगा, दुख। आपके कोष्ठक में दिया गया है ना शब्द दुख, अवगुण, प्यास, मूल, उत्तर, जीत, यह कोष्ठक में दिया हुआ है। अब हमें सही जोड़े वहां से चुनकर बनाना है, तो सुख का किसके आएगा, किसके साथ आएगा, दुख, सुख दुख, सुख के सामने दुख लिखिए। गुण अवगुण, भूख उसके सामने लिखिए प्यास, कंद मूल, प्रश्न उत्तर, हार जीत। हो गया बच्चों, लिखकर हो गया, अक्षर साफ और सुंदर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 7, सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। कौन सा शुद्ध रूप है, कौन सा शुद्ध रूप है। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पर कौन सही रूप से लिखा हुआ, मतलब मात्रा की गलती नहीं है, तो कौन सा आएगा बच्चों, स्वादिष्ट,
तीन तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो किस पर सही का निशान आएगा? पहले वाले पर सही का निशान आएगा, वह मात्रा की दृष्टि से सही है। सही का निशान लगाइए उस पे, हो गया। आगे चलेंगे, दूसरा, विश्वास का क्या अर्थ है? दोष, खोज, भरोसा। क्या आएगा? भरोसा। किस पर सही का निशान आएगा? भरोसा पर। अपनी पुस्तक में लगाइए। चलिए प्रश्न तीन, न्याय का विलोम क्या है? न्याय का विलोम क्या आएगा बच्चों? अन्याय, दयालु, न्यायी। तो न्याय का विलोम क्या आएगा? अन्याय। हो गया बच्चों? तो बच्चों आज हमने यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा कर लिया। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूंगी। धन्यवाद।